तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे पता आप लोग अच्छे होंगे। तो एक और वीडियो आपके सामने लेके आ जाओ ना, आपका अभय सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले बात जो मास्टरबेट करते हैं या हस्त मैथुन करते हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान है, अपनी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हस्त मैथुन करने से, डेली जो करता है हस्त मैथुन करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आज इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक, एंड स्किप करके बिल्कुल वीडियो को ना देखिए, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली मैं आपको आज काफ़ी ऐसी बातें बताऊँगा इसके जो नुकसान है, नुकसान ही है सब, फ़ायदा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ख़राब चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं हो सकता पहली बात। तो मास्टरबेट जो लोग करते हैं वो बिल्कुल भ्रम है। दो मिनट के चरम सुख के लिए आप ये हाथ हिला देते हैं। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये, आप इतना खाते पीते हैं, इतना घर वाले देते हैं आपको खाना पीना सब कुछ, पैसे देते हैं, आप अच्छा अच्छा खाते हैं, और अश्लील वीडियो आप देख कर क्या यार हाथ को हिला कर सब बाहर कर देते हैं, यार क्या है ये? आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, इससे बिल्कुल दूर हो जाओ यार, आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको भाई लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, सुबह उठते ना बिल्कुल सुस्ती चढ़ी रहती होगी। आप ये कमेंट में ज़रूर लिखना। देखो, इस वीडियो का आपने आज लास्ट तक देख लिया ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। आपको वर्कआउट तो कर ही नहीं सकते, कोई वजन की चीज़ हो या कुछ भी हो, आप उठाने तो उठाने रहा यार, उसको टच भी नहीं कर रहे, मतलब मन ही नहीं करता यार कोई चीज़, बिल्कुल आपका माइंड सेट उसी पे रखा रहेगा, बस यही चलता दिमाग में, जहन में यही चलता रहता, आज वो देखनी है कल वो देखनी, यार क्या है ये यार। और भी चीज़ें हैं लाइफ में, काफ़ी चीज़ें हैं, आप अगर जहन से अगर अच्छे से फील करो ना तो बहुत सुख, हर एक चीज़ में, दूसरी चीज़ों में भी सुख है यार। आप वर्कआउट करके देखो ना, जितना ये ख़राब चीज़ों में आप लगाते हो समय, एक बार यार अच्छी चीज़ लगा के देखो कितना अच्छा सुख मिलता है ना यार, मैं कसम से फील करके बता रहा हूँ कितना अच्छा सुख मिलता है। आप खुद आप इस वीडियो में कमेंट करके लिख के जाओ कि हाँ मैंने कुछ बताया आपको। देखो भाई लोग, तीसरी सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, आप कोई भी काम करोगे ना तो आपके काम में दिमाग ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, पूरे दिन चिड़चिड़ाहट रहेगी। प्लस चौथी बात, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, क्योंकि आप एनर्जी पहले ही निकाल चुके, जो एनर्जी आपकी प्रोटीन कार्ब्स जो भी आपने खाए पिया सब यार निकाल दिया, दो मिनट के सुख के लिए आपने एनर्जी सारी निकाल दी। स्टैमिना बिल्कुल लो, स्टैमिना तो आ ही नहीं सकता यार। तो यार ये इन चीज़ों को आप बंद कर दो ना, बंद करने में क्या जाता है। देखो, अगर आप से मैं कहूँ कि आप गलत काम करो तो आप बहुत जल्दी कर लेते हो, क्योंकि गलत काम यार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी पकड़ दिमाग में यही चलता, गलत काम के लिए बहुत जल्दी दिमाग बिल्कुल तैयार रहता। और अगर आपके लिए यही करें कि अच्छे काम के लिए किसी के आपसे कोई बोले तो आप करोगे नहीं, क्योंकि यार अच्छे काम के लिए दिमाग इतना फोर्स ही नहीं देगा। तो यार इन सब चीज़ों से आपका शरीर है जो नष्ट हो रहा है, आपकी पाँच इंद्रियाँ होती हैं, पाँच इंद्रियों में यार सबसे मेन आपके अंदर जो वीर बनता है ना वीर, उसमें बहुत ताकत होती है, मान लो मेरी बात, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें इतनी ताकत होती है कि एक इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। देखो, आप इसको डेली रूटीन में आप 15 दिन मान लो, 15 दिन नहीं 7 दिन, 7 दिन आप करके देखो, उसके बाद चेंजमेंट देखो अपने शरीर में, देखो कितने बदलाव होते हैं। और पांचवी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपके जो चेहरे का ग्लोपन हो जाता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप डेली यही करोगे, एनर्जी आप निकाल लें तो यार ग्लोपन कहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा, चमक ही नहीं रहेगी शरीर। और आप 7 दिन यही करके देख लो, आपका चेहरा बिल्कुल बदल ना जाए तो मेरे मुंह पे थूक के चले जाना आप, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। तो यार हस्त मैथुन बिल्कुल बंद कर दो, ये सर्दियों में पड़े लेटे रहते हो, सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट जाओ यार, थोड़ी एनर्जी लाओ समझे, और ये सर्दियों में पड़े पड़े रजाइयों में यार हाथ ना हिलाओ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हस्त मैथुन करने के बहुत नुकसान है, सब नुकसान ही है, फ़ायदे तो यार इस चीज़ के हो ही नहीं सकते, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो यार अपना भाई समझ के इस वीडियो को देखो और समझो, और इन बातों को प्रॉपर फॉलो करो यार। देखो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैंने वीडियो बना दिया आपको समझाने के लिए, आपके ऊपर, आप यार सोच के देखो यार, आपके माँ बाप इतना कमाते खाते हैं, उसके बाद आपको खिलाते पिलाते, आप भी कमाते खाते हो,
माँ बाप अभी मान लो कब काफ़ी दिन दिखा, अब आप खुद खाते हो यार, तो खुद का पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि निकाल दे रहे एनर्जी, बच क्या रही। यही वर्कआउट में लगाओ ना, ये वर्कआउट में दिमाग लगाओ ना, या किसी अच्छी चीज़ में दिमाग लगाओ यार, बहुत बहुत आगे तक जाओगे। ये इसको छोड़ दो बस, तुम पॉर्न वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दो। अब मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी पहाड़ जैसी लगे, वो बिल्कुल छोटी लगने लगी, क्योंकि आपका दिमाग वहीं दूसरी जगह पर बटा है, आपका दिमाग वहाँ पर लग नहीं पाएगा। तो यार पहाड़ जैसी जो चीज़ है ना, बिल्कुल छोटी लगने लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग स्थिर रहेगा, एक जगह अट्रैक्ट रहेगा। वर्कआउट में लगाओ, देखो यार एक महीने करके देखो वर्कआउट, या 15 दिन करके, तो एक हफ्ता यार 15 दिन छोड़ो, एक महीने छोड़ो, एक हफ्ता आप करके देखो आपके बॉडी में कितने चेंजमेंट आते। तो मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में, अच्छी अच्छी वीडियो में आपको देता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे के जाएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।